अगर आपकी स्किन पे एक्ने स्कार हैं और डार्क स्पॉट्स हैं, ओपन पोर्स हैं आपकी स्किन, रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, और आप चाहते हैं ब्राइट हो जाए, ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, डल हो गई है स्किन, ग्लो भी चाहिए बढ़िया वाला, और ऑयल भी कंट्रोल चाहिए अपनी स्किन पे, शाइन करे, खूबसूरत लगे, तो हम आपके लिए एक अच्छी सी रेमेडी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट अप है रबिंग, ठीक है। रबिंग हम करेंगे आज पोटैटो से। ये ब्लीचिंग एजेंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, बी होता है, कॉपर होता है, बहुत सारी चीज़ें। ये सनबर्न से रहते हैं, डार्क स्पॉट, एंटी एजिंग, स्किन लाइटनिंग, ब्लेमिशिंग और रिंकल्स के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे रबिंग स्किन की। तो ना सबसे पहले हम पोटैटो लेंगे, एक आलू, उसके बाद उसे स्लाइस में काट लेंगे, ठीक है। उसके ऊपर कट कट के निशान लगा दें छुरी से, नाइफ से, ठीक है, जिससे भी उसमें से रस निकलेगा, वो अपने चेहरे पे ना सर्कुलर मोशन में उसकी रबिंग करें, ठीक। तकरीबन 15 से 10 मिनट या 5 मिनट तो करें ना, 20 मिनट या हफ्ते में 2-3 दफ़ा तो करें, नहीं तो 15 से 30 सेकेंड ही कर लें, लेकिन करें सही। उसके बाद वॉश आउट कर लें थोड़ी देर छोड़ के, ठीक। आप कुछ दिनों में देखेंगे आपकी स्किन लाइट भी हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी जो आपकी स्किन पे निशानात वगैरह है, ये सारा कुछ है वो भी, और आपकी ग्लो करेगी स्किन और खूबसूरत हो जाएगी। सेकेंड स्टेप है फेस मास्क का, ठीक है। स्किन टाइट करेगी आपकी, जैसे कि स्किन हो गई लटकी हुई हो गई है, ढलकती हुई आ गई, तो इसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अच्छा, इसके लिए फेस मास्क बनाएंगे हम। सबसे पहले हमने ले लिया मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको पता है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, ये ऑयल को कंट्रोल करती है और स्किन को टाइट करती है और बहुत अच्छा स्किन वाइटनिंग करती है। ये आपको कहीं से भी पर की दुकान से इजीली मिल जाती है, ठीक है। सबसे पहले वो लेनी है, उसके अलावा फिर हमने उसके अंदर डालना है आलू का जूस, आलू का रस, कद्दूकश करना है आपने। आलू लेना है उसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकश कर लेना है, या मिक्सी में भी डाल के आप कर सकते हैं, उसे बारीक बारीक काट के इसको वो करके। शोर के लिए माजरत, तो ये ना ब्लैक सा हो जाता है, फ़ौरन यूज़ कर लो तो फिर ज़रा सी भी देर के लिए छोड़ो। अच्छा, इसके अलावा हमने लेमन लेना है, लेमन के हमें चंद ड्रॉप्स डालने हैं। हाँ, जिसके पिंपल्स वगैरह हैं या फिर वो रेडनेस हुई है स्किन पे, वो लोग यूज़ ना करें इसको, ठीक। लेमन को उसे अवॉइड करते हैं, लेमन को, ठीक है, बाकी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम हनी लेंगे, हनी 1 टीस्पून के करीब, ताकि ये आपकी स्किन को ग्लो भी देगा, एक अच्छा सा सॉफ्टनेस देगा स्किन को, ठीक है। ये चार चीज़ें अच्छे से मिक्स करके अपनी स्किन पे लगाएं, ठीक, पूरे फेस पे लगा लें तकरीबन 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद उसे ड्राई हो जाए तो उसे फिर वॉश आउट कर लें। इससे भी आपके दिनों में निखार पैदा होगा, आपके स्किन में निखरती चलेगी। ये हफ्ते में 2 दफ़ा तकरीबन करें। तीसरा स्टेप है टोनर का, वो भी हम आलू से बनाएंगे, आलू के रस। आपकी स्किन ब्लेमिशिंग हो गई है, निशान पड़ गया, रेडनेस आ गई है और बिल्कुल डल हो गई है, तो ये सैलिसिलिक एसिड और टी ट्री ऑयल जो होता है उससे भी ज़्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा। ये दिनों में ही आपके काम कमाल करेगा ये टोनर आपकी स्किन पे, ठीक है। उसके लिए हमें चाहिए आलू, आलू का वही रस जो मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया था, तो ब्लैकिश हो रहा है वरना वाइट भी हो जाता है, ब्लैक, ठीक है। पोटैटो जूस ले लिया हमने, तकरीबन अपने फेस के मुताबिक ले लेना है, जहाँ जहाँ आपने लगाने, हाथों पाँव पे, मुंह पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ले लेना। उसमें हम फिर वही फ्यू ड्रॉप्स चंद कतरे जो है ना वो लेमन कराएंगे, इसमें से बीज निकाल लेने हैं, ये आ गए हैं तो कोई बात नहीं, इसे निकाल के अलग कर दें, या देखिए निकाल दिए, ठीक है। इन दोनों अच्छा मिक्स करके ना किसी उस पर रख लें, स्प्रे बॉटल में डाल के रख लें, ठीक है। कॉटन बर्ड से भी लगा सकते हैं अपनी स्किन पर, टैप टैप करके, और स्प्रे से भी, स्प्रे भी कर सकते हैं, मुँह हाथ धोया आते जाते आपने लगाया, स्कूल से आ गए, कॉलेज से आए, यूनिवर्सिटी से आए, ऑफिस से आए, किचन से आए, जब भी, ठीक है। कुछ दिनों में ही कमाल चीज़ों का देखना, ये बहुत ज़बरदस्त कमाल करती हैं चीज़ें, और ये बहुत स्किन के लिए अच्छा होता है पोटैटो, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अप्लाई लाजमी की जाएगा, हर ये हफ्ते में 2 दफ़ा करना है मास्क, वो बेशक दोनों चीज़ें रोज़ाना कर लें, ठीक है, टोनर भी और रबिंग भी, ठीक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना, और दुआ में याद रखना, दुआ लीजिए, दुआ दीजिए, और ये देखिए
आपकी लाइट होना शुरू हो जाएगी, स्किन ब्राइट भी। दुआ में याद रखना, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हमें इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।